दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों ये कैपेसिटर बैंक दिख रहा है इस कैपेसिटर बैंक से आप देख सकते हैं तीन ट्रांसफार्मर जोड़े गए हैं एक ट्रांसफार्मर ये है दूसरा ट्रांसफार्मर ये है और तीसरा ट्रांसफार्मर ये है दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को लगाने का मेन पर्पज़ ये होता है दोस्तों कि वोल्टेज जो होता है हमारा हमेशा वेरिएबल नहीं आता तो इस ट्रांसफार्मर से और इस कैपेसिटर से उसका लिंक करके हम उस वोल्टेज को वेरिएबल